सवाल आपके जवाब पायल सिन्हा के सीरीज में आप सभी का स्वागत है पायल मैम आपका बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू मैम एक क्वेश्चन आया है यूट्यूब से पूजा सिंह का समर के लिए कोई स्किन ग्लोइंग टिप्स बता दीजिए समर के लिए पूजा सिंह यूट्यूब से सबसे सरल सा टिप है आइस ट्रे में एक दूध की एक गुलाब जल की एक खीरे के रस की इस तरह से आइस वराइटीज ऑफ आइस डाल दीजिए और हर आइस में चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए अब ये जब आइस बन जाती है तो कभी आपने दूध वाली आइस ली पूरे चेहरे पे फैला रख दिया, कभी आपने दूसरी आइस ली ऑरेंज की आइस ली वो लगा दिया कोई भी फ्रूट की फ्रेश आइस आपके पास अगर बनी हुई है अच्छा खासा इफेक्टिव है लेकिन आपको इसको रेगुलर करना तो इससे पोर्स भी बंद होंगे और चेहरा भी फ्रेश रहेगा मैम अगला क्वेश्चन है सोनिया विक्रम छबारिया इंस्टाग्राम से कि उनके फेस पर छोटे छोटे दाने निकल आए हैं तो उसके लिए वो कुछ आपकी हर्बल टिप्स जानना चाहती हैं सोनिया विक्रम छबारिया इंस्टाग्राम से अगर आपके फेस पे दाने निकल आए हैं तो पायल हर्बल नींबू दीना तुलसी का जो सोप आता है उससे एक बार चेहरा जरूर साफ कर लीजिए क्योंकि या तो आप सेम रेसिपी हमने साबुन बनाने की बताई भी है या तो आप बना लीजिए नहीं बना सकती तो पायल हर्बल सोप लगाइए उससे एक्ने में आपको बहुत जल्दी कम समय में राहत मिलने लगेगी मैम नेक्स्ट क्वेश्चन फेसबुक से है hmm. कीर्ति देसवाल जी का मैम मुझे पिगमेंटेशन है मैं क्या करूं आप कुछ बताइए क्या आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए फेसबुक से कीर्ति देसवाल hmm. आपने जानना चाहे कि पिगमेंटेशन का क्या कुछ उपाय हो और आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहती है ओके yes, okay. कीर्ति हमारे पायल हर्बल के दस प्रोडक्ट्स है और ये सब प्योर हर्बल है और इसमें आपका रिलेटेड है स्किन से तो पिगमेंटेशन के लिए आपको मेन है फ्रूट फेशियल कीजिए फ्रूट फेशियल में भी पूरा फेशियल अगर नहीं कर सकते हैं तो नियम बना लीजिए एक आलू का पाउडर चेहरे पे लगाएंगे पहले दूध और नींबू से चेहरा साफ करेंगे फिर आलू का पाउडर लगाएंगे फिर 10 मिनट के बाद उसको हटा के पपीते का पल्प और उसको पूरा चेहरे पर लगा देंगे फिर 15 मिनट की उसकी मसाज कर देंगे फिर इन सबको मिला करके मुल्तानी मिट्टी में एक पैक लगा देंगे तो एक छोटा सा मिनी फेशियल हो गया इसको अगर आप रोज करते हैं तो देखिए पिगमेंटेशन ख़त्म नहीं होता है लेकिन कम जरूर हो जाता है अब पॉइंट ये आता है अगर आप कहते हैं इतना टाइम हमारे पास नहीं है इतना बड़ा आपने प्रोसीजर बता दिया कीर्ति अगर आप कहते हैं मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है टाइम नहीं है तो पायल हर्बल पाउडर फेस पैक लीजिए उसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं जो जो चीजें मिलानी है उसमें ऑलरेडी मिक्स है पाउडर फॉर्म में उसमें आप अपना कोई फ्रूट मिला दीजिए और उस फ्रूट वाले उसमें मिला करके उस पैक को लगा लीजिए डेली लगाइए और जब भी इस पैक को लगाइए रात में तेल जरूर लगाइए चेहरे पे और नाभि में तो ये जब आप करते करते आपके 21 दिन बीतेंगे तो आपको फील गुड होना शुरू हो जाएगा फॉर श्योर हमारे आध्यात्मिक चैनल पर एक मेल आया है, है� कि अगर किसी ने अपने हेयर में केमिकल ट्रीटमेंट कराया है तो क्या हर्बल केयर से वो हेयर ठीक हो सकते हैं देखो पहला पॉइंट तो ये है कि कोई भी केमिकल नहीं लगाना चाहता मजबूरी में ही लगाता है वो बात एकदम फैक्ट है लेकिन अभ, अभी तक काम करने में किसी एक का एक्सपीरियंस नहीं मिला है कि जिसके बाल सही रहे हों हर आदमी केमिकल लगाने के बाद बालों में अपने बालों से परेशान है दुखी है कि क्या हो गया बाल की एक पहचान आपको बहुत बड़ी बता रहे हैं जिसके बालों में शाइनिंग केमिकल लगे वालों में नेचुरल शाइनिंग आपको नहीं दिख सकती ये एक फैक्ट है बाल ब्लैक दिखेंगे सब कुछ दिखेगा लेकिन नेचुरल शाइनिंग अगर किसी के बालों में दिख रही है और सिल्की लग रहे हैं तो इस और बिना कंडीशनर लगाए सिल्की दिख रहे हैं तो इसका मतलब उसके बाल हंड्रेड परसेंट नेचुरल हैं तो आप अगर पूरी तरह से केमिकल छोड़ सकते हैं तो हीना ऑयल एंड शैम्पू ये मेरा एक कॉम्बो है अगर आप ये तीनों चीजों को लगाने का बूता रखते हैं इतनी हिम्मत रखते हैं कि हाँ हम रख सकेंगे क्योंकि थोड़ा सा हार्ड वर्क है इसमें अगर आप इसको कर सकते हैं और एक एक डब्बा तीनों चीज का खत्म कर लेते हैं मेहंदी तेल शैम्पू तीनों लगाते हैं और बाल को ऐसे फोल्ड करके रखते हैं तो आपके बाल पहले से बेटर जरूर जरूर हो जाएंगे दर्शकों आप कमेंट करते रहिए पायल मैम आपके सवाल के जवाब ऐसे ही देती रहेंगी तब तक के लिए देखते रहिए सवाल आपके जवाब पायल सिन्हा के थैंक यू